कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में डीएमसीटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र में संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक पाई गई। बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश से गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र में एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले कोतवाली सर्किल के तीनों थानों में संपूर्ण लॉकडाउन था, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। उस क्षेत्र में मरीजों की संख्या कम हुई है। इस दोनों थाना क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के लिए सभी लोग घर में रहें। आपकी जरूरत की वस्तुओं को ऑनलाइन के माध्यम से सप्लाई होगी और सब्जी और दूध आपके घरों और ठेलों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, इन दोनों थाना क्षेत्रों में संक्रमित नागरिकों के संख्या अधिक पाए जाने की वजह से जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने यह निर्णय लिया है कि दो थाना क्षेत्रों को, गोरखनाथ को और दूसरा ये आपका तिवारीपुर को, शाहपुर को एक लॉकडाउन में रखा जाए। और अभी तीन थाने लॉकडाउन में पहले थे, कोतवाली थी, तिवारीपुर थे और राजघाट, लेकिन वो आज समाप्त हो गया पीरियड, वो फ्री हो गए हैं। वहाँ संक्रमण पे काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। अब इन दो थाना में सभी लोगों को संक्रमण से रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है प्रशासन की तरफ से। सभी लोग अपने घर में रहें, आप बिना आवश्यक काम, जब तक कि कोई ऐसा काम जिसकी वजह से जीवन को भय हो तभी निकलें, अन्यथा घरों में सुरक्षित रहें। खाद्य सामग्री आपको ऑनलाइन डिमांड पर आपके घर पहुंच जाएगी। सब्जी दूध और इन सब की सप्लाई एक निर्धारित ठेले जाके आपके घर के सामने से निकलेंगे और आप अपने दरवाजे से ही उनको बता दीजिए क्या क्या चाहिए, वो आपको दे देंगे।